महानगर में चार थाना क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक मिलने के कारण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का प्रमुख कारण है कि चारों थाना क्षेत्रों में पिछले 20 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और हॉटस्पॉट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट दी गई थी। इन थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया जाए जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। पिछले दिनों कोतवाली सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया था और अभी कोतवाली सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में सभी लोगों की टेस्टिंग की जाती है और पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ उनके संपर्क में आने वाले लोगों का भी टेस्टिंग करवाया जाता है। इन चारों थाना क्षेत्रों में मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, पिछले 20 दिनों से हम देखते हैं, पिछले लास्ट अगर 20 डेज की हम बात करते हैं तो समय समय पर रिपोर्ट के आधार पर हॉटस्पॉट के संख्या के आधार पर और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हम डीएम सर को संशोधित करते हैं कि इन क्षेत्रों में लॉकडाउन आरोपित होना चाहिए। इसके पहले भी कोतवाली सर्कल के तीनों थाना क्षेत्रों में कंप्लीट लॉकडाउन रहा था एक सप्ताह का। उसके बाद फिर थाना गोरखनाथ और थाना शाहपुर में कंप्लीट लॉकडाउन रहा था। इस बार फिर से कोतवाली सर्कल के तीनों थाने और गोरखनाथ चार थाने में हमने कंप्लीट लॉकडाउन बनाया है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जितने भी हमारे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो हम बताते हैं पिछले 4-5 दिनों से बढ़ रही है, तो सबका बहुत बड़ा रीज़न यह है कि उन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या की बहुतायता उन क्षेत्रों में है जिन थाना क्षेत्रों में हमने लॉकडाउन लगाने की संस्तुति की गई है। अभी तक हमारे जितने भी हॉटस्पॉट बने हैं, लगभग 350 के आसपास हमारे हॉटस्पॉट हैं, उसमें से 60-70% हमारे हॉटस्पॉट की संख्या उन चार थाना क्षेत्रों में है। सघन आबादी होने के कारण वहाँ पर पॉजिटिव व्यक्ति आने की दर और अन्य थानों की अपेक्षा अधिक है। हमने पूरा सर्वे करते हैं, एक प्रोफेशनल टीम, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम, 24 घंटे हमारी इंटीग्रेटेड जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और बहुत एक्यूरेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते ही हम पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए सभी ऐसे प्राथमिक प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अगले दिन ही उनका कैंप लगाकर उनका सैंपल कर लेते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि तुरंत ही उसको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि संक्रमण की और दर को वहीं पर हम रोक दें। और दूसरा फायदा ये होता है कि ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए वहाँ पर आवाजाही को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस थाना क्षेत्रों चार थाना क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में हॉटस्पॉट हो गए थे और हम लोगों को यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सैंपलिंग भी करानी थी ताकि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं, चाहे वो कार्यस्थल में हो चाहे उसके घर में हो, सभी का हमें टेस्ट करा के सभी को आइसोलेट करना है। तो इसी तरीके चार थाना क्षेत्रों में ये लॉकडाउन हमने लगाया है। इससे एक तरफ लोगों को थोड़ा सा परेशानी, हमारे व्यापारी वर्ग को परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा इसका ये होगा कि सैंपल करते करते हम सभी लोगों को आइसोलेट कर लेंगे ताकि संक्रमण को हम रोक सकें, क्योंकि शासन की भी प्राथमिकता सभी जगह हम देखते हैं कि कोरोना की महामारी जो है ये व्यापक रूप ले चुकी है। इसी में पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैद से लगा हुआ है और L1, L2, L3 फैसिलिटी के साथ साथ सैंपलिंग की भी जो हमारी रेट्स हैं, जो हमारी सैंपलिंग की जो क्वालिटी सैंपलिंग हम जो करते हैं उसको भी हमने बढ़ा दिया है और हम सैंपलिंग अब हम बहुत ही एक्यूरेट सैंपलिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव मिलता है तो तुरंत जाके उसके संपर्क में आए सभी लोगों की सैंपलिंग करके उनको आइसोलेट कर दे रहे हैं और ऐसे जगहों पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। बहुत ही GPS गूगल मैप के द्वारा ऐसी जगहों पर आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके केसों की अधिकता ज़्यादा है, पॉजिटिव व्यक्ति ज़्यादा मिले हैं, उन क्षेत्रों में उसी के आधार पर हम लॉकडाउन इम्पोज करते हैं। तो चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन है और इसमें सैंपलिंग भी आज भी हमारी दो जगह पर जाफरा बाजार और रहमत नगर दो जगह सैंपलिंग हो रही है, वहाँ पे भी लगभग आज 150 से 200 सैंपल हम करा रहे हैं। इसी तरीके से और भी इसी तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी आगे भी।